नहीं पंडित जी, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस घर में हमने हमारी दूसरी बेटी भी ब्याही है। समझी है वो हमारे, और वैसे भी उनके घर में क्या कम मुसीबतें चल रही है। आप एक काम कीजिए, पहले आप कमलनाथ जी से बात कीजिए। आप बातें करने का टाइम खत्म, हम उस कीर्तन को अपने तरीके से समझाएंगे। नहीं धर्म, प्लीज गुस्सा मत करो, हमें एक बार कीर्तन भैया से बात तो करनी चाहिए। तुम क्या बात करोगी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारे बात करने का ही तो नतीजा है। मतलब ये कि ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है कीर्तन जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही कर रहे हैं। रिमझिम, तुम कोयल जी को ऐसे नहीं कह सकती। देखा आपने कैसे इसने हमारे भैया को अपने पीछे कर लिया, अपनी उंगलियों पे नचा रही है। और इसका तो यही प्लान था कि सबको अपने उंगली पे नचाएगी और हमें इस घर से चलता बनाएगी। हमें लगता था कि हमारी तो किस्मत ही खराब है कि हमारी शादी कीर्तन से हुई थी, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत तो तब फूटी थी जब ये चुड़ैल हमारे घर में आई थी। रिमझिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? भाई साहब, बेटी से जब कोई ऐसी बात करती है, बाप के दिल पे छुरी चलती है ना, जो आपके दिल पे चल रही है। तो आप सोचिए ना, हमारी क्या स्थिति होगी। हमारी बेटी को हमेशा आपके बेटे ने परेशान किया है, आज भी बाजार में सबके सामने उसने बेइज्जत किया। क्या गुजर रहा वहां पे, आपको भी सोचा? माफ कीजिएगा, लेकिन आपके बीच में बोल रहा हूं, मैं हर बार गलत था, लेकिन इस बार गलत नहीं। इस बार गलत रिमझिम है। ए, आज रिमझिम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे तुम।